स्टूडेंट को क्या आता है जो जॉब मांगेंगे? स्टूडेंट को आता ही क्या है? 50 बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, इस क्लास में कोई जवाब ना दे पाएगा। बैठे कुछ नहीं पता इनको, इनको कौन जॉब देगा? ये गोल्ड फ्लेक छोटी लिए टहल रहेगी, अबे जाले ये डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट को क्या आता है जो जॉब मांगेंगे? स्टूडेंट को आता ही क्या है? इस क्लास में इतने लोग बैठे थे, छोटी छोटी बातें मैंने पूछी, हार्कोर्ट बटलर के बारे में पूछा, 3-3 साल से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बैठे, कुछ नहीं पता इनको, इनको कौन जॉब देगा? ये गोल्ड फ्लेक छोटी लिए टहल रहेगी, अबे जाले ये डिस्कस कर रहे हैं। यार वो जो है कैटरीना कैफ थी यार, विक्की कौशलवा से शादी होगी। 50 बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, इस क्लास में कोई जवाब ना दे पाएगा। 50 सवाल अगर कर दूं, 50, इस देश का 80% युवा रील बना रहा है, ओवरब्रिज पे ऐसे खड़ा है, तो साले फॉर्च्यूनर चल रही एक्सप्रेस वे पे, उस पे वो रील बना रहा है, गाना गा रहा है, जहां देखो वहां सेल्फी खींच रहा है, कहीं भी कुत्ता देख लिया कुत्ते के साथ खींच लिया, कहीं पेड़ देख लिया पेड़ के साथ, उसको पता ही नहीं करना क्या है। YouTube में तुम देखो कुछ वीडियोस ऐसी पड़ी है जिसमें 10-10 करोड़ व्यू है। सेक्स कब नहीं करना चाहिए, देखे जा रहे हैं। अच्छा कितना व्यू है? 20 करोड़। और वही बगल में गीता का प्रवचन डाउनलोड है, उसका व्यू है 1.2 थाउजेंड। गेट पे एक लड़का खड़ा हुआ है, नहीं बना रहा था, हमने कह रहा देखा हमको, समझ तो गया, हम बुलाए तो ऐसे धीरे से छोड़ दिया। हमने कहा तंबाकू का जो खेती होती है पहली बार दुनिया में कहाँ हुई? नहीं हम थोड़ी खा रहे थे सर। बेटा झूठ मत बोलना कि तुम्हारे हाथ पे चूने का दाग लगा हुआ है, और तुम्हारा तंबाकू खाना बुरा नहीं है, तुमको तंबाकू के बारे में कुछ नहीं पता, कितने जाहिल आदमी हो तुम, खाओ कम से कम तंबाकू के बारे में तो जानो। रगड़ो यारो 15 साल से रगड़ो, पता ही नहीं कहाँ बन रही तंबाकू, और ऐसा ऐसा बहाना देते कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को कौन सी गीता याद है? तुम जो करना है करो, तुम्हारा तर्क तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिक्शे वाले को रामायण पूरी याद होनी चाहिए। हमसे तो लड़के बोलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, सर हम डिप्रेस हो गए। क्यों सर? हमको डिप्रेशन हो गया। क्यों सर? मेरा जो पढ़ते हैं हमको कुछ याद नहीं है। क्या पढ़ते? अरे वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता। मिर्जापुर देखे थे? हाँ। तो मिर्जापुर देख के भी लोग ये नहीं समझ पाए आधा दादा याद करना ही जीवन में बहुत जरूरी है। अपने विचारों पर नजर रखो, और अगर तुम्हारे तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें जरा के मार डालेगा। नशा क्यों नहीं करना है? अब एवरी डे स्ट्रेस, हर दिन स्ट्रेस, पढ़ना है, परिवार, नौकरी, पैसा, बच्चों की शादी, भाई फला, बहुत सारी चुनौतियां, एवरी डे स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिलीज नहीं करना है तो तुम महीने भर पागल है। तो सबसे आसान तरीका है नशा। तुम पढ़े 4 घंटा, तुमको यहां पेन हुआ, तुम बाहर आए, एक सिगरेट पिए, निकोटीन शरीर में गई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किए। अब सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। तुम सिगरेट को प्रॉब्लम देखते हो, उसने छोड़ नहीं पाते हो, सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तुमने सिगरेट और शराब को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम बना लिया है, तो वो तुम्हारे लिए दवा हो गई है। तो जब जब तुम स्ट्रेस में आओगे तो या तो तुम सिगरेट ढूंढोगे, या तुम शराब ढूंढोगे, या तुम खैनी ढूंढोगे, कुछ ढूंढोगे। तो अगर उस स्ट्रेस को संवैधानिक रूप से बाहर निकाल दिया जाए, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 मिनट से शुरू करो, बस सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट। पहले दिन देख के घंटा कर लिए किडनी पलट जाएगी। 2 मिनट ईच, टोटल 6 मिनट हुआ। 10 दिन जब बीत जाए फिर 2 को 4 कर दो, 4 मिनट, और मैक्सिमम इन तीनों को 1 घंटे तक पहुंचा, मतलब तीनों मिला के 1 घंटा, और गारंटी लेता हूं कि तुम कभी नशा नहीं करो। तुम अपने से हारते हो, अपने से, तुम बाहर से नहीं हारते। और तुम्हारा मन तुमको एक बहुत अच्छी बात कह देता है, कल तुम देखो जितने भी जरूरी काम है उनको ये कल पे टाल देगा, कल कल बढ़ना, धूप निकलेगी तब पढ़ेंगे, पर डे किसी चीज को कल पे मत टालो। तुम सोच लो कि मेरी जिंदगी बस आज है, कल है ही नहीं,
मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज ध्यान करना है, मुझे आज कल है ही नहीं। तुम बस एक चीज को डिलीट मार दो, कल को। तुम सोच लो मेरी जिंदगी बस आज है, आज कल है ही नहीं, कल को तुम डिलीट मार दो। इसलिए जितने अच्छे काम है मैं आज करूंगा और जितने गैर जरूरी काम है वो मैं कल करूंगा। तो तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब, अगर टाइम कट गया ना तो एक रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तो तुम्हारे माँ बाप है भगवान की तरह जो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे तब तक अपना जीवन बना, बहुत अच्छा मौका मिला। नहीं तो जो भी आदमी एक रुपया देगा, एक तो समझ लो 1000 रुपए का बदले में काम लेगा।